अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ सारा मिक्स आइटम। ये है कुकी और ये मिक्स नकुमट। ये जो मैंने क्ले बॉल्स बनाए थे ये वो हैं, और ये पंजाब की मिट्टी और क्ले पॉट्स वगैरह से बने हुए हैं। ये क्ले स्लेट बार, रेड स्लेट बार, रेड स्लेट चिप्स, नॉन बेक क्ले पॉट, दो मिनी क्ले पॉट, क्ले पॉट, पंजाब की मिट्टी और थोड़ा सा रेड बार, इन सब का क्ले का पेस्ट बनाया मैंने, ठीक है। और ये है रोस्टेड नकोमट। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं सबके नाम बोल रही हूँ। और ये मिक्स है ग्रुप्स, ठीक है। और ये है मिनी क्ले पॉट, और ये वीडियो मैं अलग बनाऊंगी और ये वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, ठीक है। मैं एक साथ आप लोग को जो मेकिंग वीडियो एक साथ ही बता देती हूँ, ताकि फिर मुझे दो दो वीडियो बनानी नहीं पड़े, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ये वाली प्लेट में डाल देते हैं। और ये देखिए मैंने थिक रखा है, लेकिन मैं चाह रही थी और भी पतला हो, क्योंकि फिर जब मैं क्रंच वीडियो करती हूँ तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, और वो फिर मुँह में मतलब ऐसे वो अजीब सा हो जाता है। सबसे पहले रेड बार रख देते हैं, इसको ज़्यादा शौक की ज़रूरत होती है। और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा आती है। लेते हैं हम दो मिनी पॉट्स, इससे पहले ये लगा देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट मत क्या करें। हाँ, आप लोग मुझे एडवाइस दे सकते हैं कि ये वाली आप ले आओ, आप याली ले आओ, बाकी रिक्वेस्ट मत क्या करें। मैंने आप लोग को पहले भी कहा है कि मैं रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती हूँ, और अभी दोबारा कह रही हूँ कि मैं रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग भी माइंड मत कीजिए, और क्योंकि फिर मैं एक ही रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ, फिर दूसरे की नहीं करती हूँ, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता ना, कि एक बार एक सब्सक्राइबर बोलेगा आपने इसकी कर ली, मेरी नहीं की, आप मेरे ही नहीं करते हो, बाकी सबकी करते हो, तो इसीलिए मैं किसी की करती ही नहीं हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरे फेवरेट नकोमट है, इसीलिए मैं इसको इसके साथ क्रंच करूंगी। तो बस बहुत ही ज़्यादा आती है। आपको क्रंच की आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी ना। जब हमारा कंप्लीट हो गया, मैं इसको थोड़ा पतला करके लेके आती हूँ। मैंने इसको पतला कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा आती है, उसकी जो स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा आती आ रही है। बस ये मेकिंग वीडियो फिनिश करके मैं क्रंच वीडियो ही बनाऊंगी, ताकि ये नको मट जो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स,
ये देखें फिर से ठीक होना शुरू हो गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा पेस्ट पतला रखती हूँ, और अगर पतला रखती हूँ तो फिर आप लोग कहते हैं कि पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ठीक रखा था। ये देखें पूरा चिपक जाता है। चलो खैर है, ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम करते हैं दूसरी मेकिंग वीडियो। ओप्स ये तो रह गए, ये हम इसी के ऊपर रख देते हैं ताकि सॉफ्ट भी नहीं हो ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ले लेते हैं हम ये आइटम। वीडियो मेकिंग वाली लंबी हो रही है तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रही हूँ। मैंने सब चीज़ों को वॉश कर लिया ऑलरेडी, इसको भी और इसको भी मैंने करके ही यूज़ किया था। और आप लोग भी जब भी कोई भी स्लेट आइटम या क्लिपबोर्ड या जो भी यूज़ करो तो वॉश करके करो, नकोमट को जब खाना हो तब ही वॉश करो, वरना वो बिखर जाते हैं। और ये वेट क्रंच होगा, इसके अंदर मैं जब क्रंच करूँगी वो वीडियो के अंदर ही मैं उसी वक्त पानी डालूँगी, क्योंकि वरना ये सब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा बिखर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फिर से रह गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि फिर मुझे ये सब खाया नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में यूज़ कर लेंगे इसको। और मेरी ये मेकिंग वीडियो आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिनको भी ये सारे क्ले आइटम या जो भी स्लेट आइटम चाहिए हो, आप लोग मेरे सेलर से बाय कर सकते हैं। मेरे सेलर का जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग बाय कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं क्रंच वीडियो में मिलती हूँ, जब तक बाय।